हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने कल पढ़ा था ट्रस्ट टेरिटरीज, आज हम पढ़ेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल। अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी पीछे वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अदर एरियाज ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज अदर देन द स्ट्रेटेजिक एरिया शैल बी गवर्न बाय द फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रस्टीशिप एग्रीमेंट। तो ट्रस्टीशिप एग्रीमेंट द्वारा जो भी ट्रस्ट टेरिटरीज बनाई जाएंगी वो यूनाइटेड नेशन द्वारा गवर्न की जाएंगी, और इंक्लूडिंग द अप्रूवल और टर्म ऑफ एग्रीमेंट। तो टर्म ऑफ एग्रीमेंट और अप्रूवल भी यूनाइटेड नेशन द्वारा किया जाएगा, और उनका ऑल्ट्रेशन और अमेंडमेंट जो भी होंगे वो जनरल असेंबली के अप्रूवल द्वारा किए जाएंगे। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 86 पे। आर्टिकल 86 हमें बताता है दोज स्टेट मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रस्ट टेरिटरीज। तो वो जो भी ट्रस्ट टेरिटरीज बनाई जाएंगी उनके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टेट बनाई जाएगी जो उनको एडमिनिस्टर करे, उन्हें देखे कि वो सही काम कर रही हैं कि नहीं। और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, सेकंड पॉइंट में आते हैं हम। ट्रस्टीशिप काउंसिल में अनलिमिटेड मेंबर है, इसमें कोई लिमिटेड हमें मेंबरशिप की वो नहीं दी है। दोज मेंबर मेंशन अंडर आर्टिकल 23, तो ये अंडर आर्टिकल 23 में दिए गए हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। मेंबर इलेक्टेड फॉर थ्री ईयर टर्म बाय जनरल असेंबली एज मे बी नेसेसरी टू इंश्योर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का जो टर्म है वो 3 ईयर्स होगा, जो कि जनरल असेंबली द्वारा बताया जाएगा। इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन दोज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन विच एडमिनिस्टर ट्रस्ट टेरिटरीज एंड दोज विच डू नॉट। और इन ये सारे के सारे जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था अनलिमिटेड मेंबर होंगे, तो अनलिमिटेड मेंबर को इक्वली डिवाइडेड कर दिया जाएगा ट्रस्ट टेरिटरीज के एडमिनिस्टर के लिए। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल के फंक्शंस एंड पावर्स। ट्रस्टीशिप काउंसिल अंडर द अथॉरिटी शैल रिपोर्ट सबमिटेड बाय एडमिनिस्टर अथॉरिटी। तो जो भी एडमिनिस्टर अथॉरिटी होंगी ट्रस्टीशिप एरियाज की, वो सारी की सारी ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर होंगी, और इन सबको एनुअली रिपोर्ट जमा करनी होगी। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मे एक्सेप्ट द पिटीशन एंड एग्जामिन देम इन कंसल्टेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी। तो वो कोई भी पिटीशन एक्सेप्ट कर सकती है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और उन्हें एग्जामिन कर सकती है। एग्जामिन देम इन कंसल्टेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी की कंसल्टेशन द्वारा वो ट्रस्टीशिप काउंसिल उन्हें एग्जामिन कर सकती है। अब हम आगे आ जाते हैं विद्य एग्रीमेंट विद एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी में रिजेक्ट पीरियोडिकली रेस्पेक्टिवली ट्रस्ट टेरिटरीज। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास पावर है कि वो ट्रस्ट टेरिटरी को उसे रिजेक्ट कर सकती है, उसे ख़त्म भी कर सकती है। अदर वर्क्स एंड एक्शन इन कन्फर्मिटी विद टर्म्स ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ट्रस्टीशिप एग्रीमेंट के द्वारा ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है टर्म भी ख़त्म कर सकती है। हु शैल फॉर्मुलेट क्वेश्चनरीज। तो क्वेश्चनरीज होंगी वो कौन फॉर्मुलेट करेगा, वो ट्रस्टीशिप काउंसिल फॉर्मुलेट करेगी। अभी क्वेश्चन आता है, प्लीज़ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट यूएनओ डज नॉट एक्ट फॉर वेलफेयर ऑफ स्टेट बट इवन टू द इंडिविजुअल डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। तो यूएनओ जो है वेलफेयर के लिए एक्ट करती है वो बताइए, और इंडिविजुअल्स को भी एक्ट करती है, इंडिविजुअल्स के ऊपर भी एक्ट करती है वो भी बताइए। तो इसका आंसर हमें नीचे मिलता है आर्टिकल 91 में। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज़ वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन विच इज़ इकोसॉक। इकोसॉक अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। इकोसॉक इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यू इकोसॉक जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और सब्सिडरी ऑर्गन है यूएनओ का। इकोसॉक वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यूएन चार्टर इन 1945। तो इकोसॉक जो है 1945 में यूएन चार्टर द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। अब हम आगे आ जाते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन। आर्टिकल 7 का जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो आर्टिकल 7 है, द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज़ वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज। तो ट्रस्ट टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसे बनाया गया था। इट हैज़ ऑप्टेड 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। तो इसने अभी तक 11 ट्रस्ट टेरिटरीज बनाई हैं ऑन गेटिंग इंडिपेंडेंस बाय द लास्ट ट्रस्ट टेरिटरीज। तो इंडिपेंडेंस जब मिली थी उन लास्ट ट्रस्ट टेरिटरीज की, पलाऊ
इन 1994 में। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया था। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 4 पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।